हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पनीर की एक झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ आई हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ पनीर को इस तरह से टुकड़े कर लेना है और आपको रफली कुछ टमाटर, दो या तीन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने तीन टमाटर के बीज को निकालकर रफली चॉप कर लिया है। थोड़े से मैंने धनिया पत्ते भी लिए हैं, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, प्याज और काजू, आलमंड्स और आपका किशमिश, इसको मैंने थोड़ा सा भिगो कर रखा था। इन सबको आपको बिल्कुल भी थोड़े तेल में देकर इसको थोड़ा सा आपको सॉटे करना है। और सबसे पहले तेल में आपको जीरा देना है। जीरा दे के फिर हम इसे, इन सारी चीज़ों को हम सॉटे करेंगे, बस हल्का सा भूनेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ आपको भूनना है। आप इसमें खड़े मसाले भी दे सकते हैं, ये पूरा ऑप्शनल है। अगर आपको गर्म मसाला पसंद है तो आप खड़े मसाले इसी में आपको, बस इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपको इसको भूनना है। बस हमें इतना ही भूनना है। आपको इस तरह से प्याज को जब हल्का ये थोड़ा सा आपको ब्राउन लगने लगे तब तक ही आपको भूनना है और गैस को बंद कर देना है। और जब ये ठंडी हो जाए हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। कुछ इस तरह का पेस्ट आपको बना के तैयार कर देना है। फिर हम जिस कढ़ाई में हमने ये जो पेस्ट को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा सा तेल देकर 2 प्याज को रफली कट करेंगे और उसे हम फ्राई करेंगे। इस तरह से आपको इसको फ्राई करना है। इसी में आपको करीब 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को भी देकर इसको आपको अच्छी तरह से भूनना है। इसको आपको तब तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन का वो कच्चापन ना दूर हो जाए। कच्चापन दूर हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर के हम इसको इसमें देकर इसे भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इसमें हम 1 चम्मच किचन किंग, केच का एक किचन किंग मसाला आता है, उसे भी आपको 1 चम्मच इसमें देकर अच्छी तरह से भूनना है। मसालों को भूनते समय ध्यान रखना है कि ये जले ना। अगर आपको लगता है कि ये जल रहा है तब आप थोड़ा सा पानी, खासा पानी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह भून। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें पेस्ट को ऐड करेंगे। अभी देखिए ये मसाले भून रहे, जब आपको लगता है कि ये साइड जब ये तेल छोड़ने लगता है इसका मतलब ये मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें जो पेस्ट पेस्ट को रेडी किए थे उसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इस मसाले में हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, उसे भूनना है। जब इस तरह से भून जाए, बबल आ जाए, तब हम इसे थोड़ा गैस को आपको कम कर लेना है और इसे तब तक भूनना है जब तक साइड तेल ना छोड़ दे। इसमें से एक अच्छी महक भी आ रही है। अब हम इसमें कटे हुए पनीर को ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। पनीर को ऐड करने के बाद आप इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर दें और नमक ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद करीब 1/2 कप आप पानी ऐड करें और इसे मिक्स कर लें और मीडियम आंच पर इसे ढक कर करीब 5 मिनट तक आपको इसको पकने देना है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें आप कसूरी मेथी को मसल कर इसके अंदर मिक्स कर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बस हो गया हमारा ये पनीर बनकर तैयार। देखिए ये हमारा झटपट पनीर इजी वे से बनकर, आराम से बनकर तैयार हो गया है। इसे आप धनिया पत्ता के साथ सर्व करें और इसे अपने मनपसंद राइस या रोटी के साथ आप इसे खा सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।